उस क्षेत्र में दो तीन बार मैंने क्षेत्र की जनता ने वहाँ पर कैंप लगवाया था। वो गुजरात के बाबा हैं, कंबल वाले बाबा हैं नाम से जाना जाता है, और वहाँ पर हर सोमवार मंगलवार को कैंप लगा करके वहाँ के स्थानीय जो जनता हैं काफ़ी संख्या में, मैंने कल मैंने भी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मैंने भी देखा कि देखा जाना चाहिए क्या स्थिति है, और मैंने भी कहा देखा काफ़ी 5-6 हज़ार की भीड़ कम से कम रहा होगा, और लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा। और वहाँ पर मैंने जो देखा जो लोग पीड़ित थे, जैसे कोई पोलियो से ग्रस्त है, शुगर है, या कोई पागलपन है, किसी के दिमाग पर मानसिक रूप से कमज़ोर है, सारे लोगों को मंत्र कंबल उठा करके या उसको मालिश करके उसने जो है जो अपना इलाज शुरुआत किया था। तो मुझे जो भीड़ उसको देख करके लगा कि बहुत सारा जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे भी मैं चर्चा किया, उन्होंने कहा भी कि हमने दूसरी बार यहाँ पर कैंप में आया है और उसका लाभ हम लोगों को शुरुआत मैंने लाभ मिल रहा है। तो मैंने भी कहा मुझे भी शुगर है, मैं भी चेक करवा लेता हूँ। मैंने भी शुगर का आशीर्वाद लेने गया था, जैसा चर्चा में था कि सभी तरह की बीमारी कोई भी अपनी बीमारी को इलाज के लिए बाबा के पास अपनी बात रख सकता है। मैंने भी कहा था गया था, उन्होंने एक चम्मच शक्कर दिया और बोला कि पाँच सोमवार को लगातार यहाँ पर हर साप्ताहिक आना पड़ेगा ताकि उनकी जो कोर्स है वो पूरा किया जा सकता है। तो मैंने भी कहा चलो अच्छी बात है, अगर 5 बार एक चम्मच शक्कर खाने से अगर शुगर ठीक हो जाएगा तो मैंने भी कहा कि मैं भी आऊँगा। और जनता ने जो लगातार 2-3 बार से जो वहाँ पर कैंप में जो लाभ ले रहे हैं उनको भी लगा चर्चा में कि भाई जो अपंग हैं जो पोलियाग्रस्त हैं उन लोगों को मालिश करके उन्होंने ठीक कर रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं चमत्कारिक विषय है, और निःशुल्क सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, बिना शुल्क का सेवा और मंत्र से या जिस गतिविधि से वो अपना इलाज कर रहा है मुझे लगता है इसको जनता को लाभ मिलता होगा, तभी इतना बड़ा भीड़ है। मैं तो पहली बार गया था, अब दूसरी बार जाऊंगा तो पता चलेगा, और लोगों से जब चर्चा में विषय आ गया कि कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, और 5 बार के बाद हम शुगर चेक फिर से कराएंगे। देखिए अंधविश्वास किसी को नहीं कर सकते, कोई देवी देवता कोई धार्मिक जगह में जाता है, कोई मंदिर में जाता है तो अपने एक विश्वास पर जाता है। और चूंकि मैंने कहा कि ये लगातार कैंप कर रहा है, और तो इस क्षेत्र छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश में कई जगह क्या है, छत्तीसगढ़ में भी पता चला है कि बेमेतरा कवर्धा जिले में भी कर चुका है, तो उसके जो बातों से लगा कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों में किया है, और हमारे यहाँ भी लगातार लगता है कि 2-3 कैंप उस क्षेत्र में लगा है। तो मैंने भी कहा मेरे क्षेत्र में अगर हो रहा है तो मुझे भी जाकर देखना चाहिए। नहीं, मुझे मैंने कहा ना कि लोगों की जो चर्चाओं में आया कि हम ठीक हो रहे हैं, जनता का जो बातों से लगा कि 5 बार का जो क्या कोर्स है, 5 बार उनके सोमवार मंगल को कैंप में जाएंगे तो उसका लाभ उसकी आशीर्वाद उनके लिए मंत्र जाप है या जो भी उसकी जो इलाज की प्रक्रिया है उससे उसको लाभ मिल सकता है। तो मुझे भी लगा कि अगर किसी का आशीर्वाद कृपा से किसी का भला हो जाएगा तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी विषय है कि उसमें किसी तरह का कोई मैंने पैसे का या कोई भी मैंने शुल्क नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण लोगों में अपार भीड़ मुझे देख रही है। नहीं, मैंने कहा ना वो तो सिर्फ उन्होंने तो अपनी मंत्र जैसा ही उन्होंने कहा और एक चम्मच शक्कर दिया बस, और उसके बाद बोला कि आप शक्कर खाइए एक चम्मच, 5 बार हर सोमवार को आना पड़ेगा। तो मैंने कहा हम समय अनुसार देखेंगे। तो जनसंपर्क दौरे में मैं था, और जनसंपर्क दौरे के बीच में मेरे विधानसभा क्षेत्र में यह कैंप लगा हुआ था, और जो मैंने कहा कि 2-3 कैंप लग चुका है और निःशुल्क कैंप है, अगर निःशुल्क किसी का दुआ लगता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और इसलिए यह कोई अंधविश्वास का विषय भी नहीं है। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर किसी का लाभ अगर किसी की दुआओं से या किसी के मंत्र से ठीक होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। For more information, log on to www.clips.in.